अकड़ बकड़ बम्बे गो अस्सी नब्बे पूरे सौ सौ में लगा धागा चोर निकल के भागा। चलो चलो यही बैठ जाएं और खेलें। इसमें जब मैं फेंकूंगी तो जिसके पास राजा आएगा वो बोलेगा वजीर वजीर, वजीर बोलेगा जी हुजूर, तो राजा बोलेगा इन दोनों में चोर सिपाही का पता लगाओ। वजीर वजीर। जी हजूर। इन दोनों में चोर सिपाही का पता लगाओ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बा अस्सी नब्बे पूरे सौ सौ में लगा तागा चोर निकल के भागा। ये चोर ये सिपाही। गलत गलत। बताओ अब तुम्हें क्या सजा दी जाए। इन लोगों से चुटकुला सुना जाए। चुटकुला तो मैं ही सुनाऊंगी। सुनाओ। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा। क्या पूछा? बीरबल, हम आज आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे। जाना। बीरबल, हमारे शहर में कुल कितने कौवे होंगे? जाना। यही कोई 159,430 कौवे। अगर कम हुए तो? संभव तो हमारे यहाँ से कुछ पक्षी दूसरे शहर में दावत खाने गए होंगे। और अगर ज्यादा हुए तो? सीधी सी बात है, दूसरे शहर के कुछ पक्षी हमारे से शहर में दावत खाने आए होंगे। बहुत अच्छा चुटकुला था। क्यों भाई, क्या हो रहा था? खेल रहे थे। खेल खेल रहे थे या चुटकुला सुना रहे थे? चुटकुला भी सुना रहे थे। अच्छा, तुमने जो चुटकुला सुनाया उसमें अकबर और बीरबल थे, तो क्या तुमको पता है कि जहांगीर और अकबर अपनी न्यायप्रियता के लिए बहुत मशहूर थे? हाँ दीदी, अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल भी थे जो बहुत ज्ञानी भी थे और चतुर भी थे। अरे हाँ, इसी बात पे मुझे एक किस्सा याद आया, मैं तुम लोगों को सुनाती हूँ। जी दीदी। एक बार अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। बीरबल, जाओ। क्या आप बता सकते हैं कि ये लकड़हारा हमारे बारे में क्या विचार रखता है? जाना, ये लकड़हारा आपके बारे में वैसे ही विचार रखता है जैसे कि आप इसके बारे में रखते हैं। ये कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर की बात कैसे जान सकता है? जाना, आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ। प्रमाण? हाँ, देखिए वो लकड़हारा नजदीक आ रहा है, आप जल्दी से जाकर छुप जाइए। जरूर ये लकड़हारा चोर है, हमारी जंगल की लकड़ियां ले जाकर हमारी इजाजत के बिना इन्हें अपने पास रख लेता है। इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। खामोश। अरे वो लकड़हारे। जी हुजूर। तुमने कुछ सुना? अरे सुनने का वक्त किसे है, 2 दिन की रोटी नहीं मिलती। अरे भैया, बादशाह के प्राण पखेरु उड़ गए। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अच्छा हुआ जो उड़ गया इस दुनिया से। ऐसे बादशाह की जरूरत ही क्या जो अपनी प्रजा का दुख बिना दूर कर सके। आज तुम्हें मिठाई बांटूंगा। अच्छा हुआ जो उठ गया इस दुनिया से, अब आराम से लकड़ी काटूंगा बिना इजाजत के, आराम से। जा बना। बीरबल, ये तो बुराई के बारे में बात हुई, अब कुछ अच्छाई के बारे में भी सुन लूं तो तुम्हारी बात पर पूरा यकीन हो जाएगा। तो देर किस बात की जहां पना,
वो देखिए एक बूढ़ी माँ चली आ रही है। आप जल्दी से छुप जाइए और उसके मन में अच्छे विचार लाइए, फिर देखिए क्या होता है। ये बुढ़िया तो बहुत ही गरीब दिखाई देती है, इसे तो इसके लिए तो मुझे खाने पीने का इंतजाम करना ही पड़ेगा। जापना आप जल्दी से छुप जाइए। अरे ओ माँ, क्या है बेटा, तूने कुछ सुना? अरे माँ, बादशाह परलोक सिधार गए। हे भगवान, गजब कर दिया तूने, ऐसा परोपकारी राजा कहाँ मिलेगा। हिंदू मुसलमान उसकी दो आंखों जैसे थे, अरे तू मेरे प्राण ले लेता और उसे बख्श देता। भगवान क्या कर दिया तूने, हे भगवान। अरे दादा, मान गए बीरबल, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही थी। जहाँ बना तो इस कथा से तुम लोगों ने क्या सीखा, क्या शिक्षा मिली तुम्हें? दीदी मैं बोलूँ? हाँ बताओ। यही कि हमें सभी के प्रति अपने मन में अच्छे विचार लाने चाहिए। बिल्कुल सही, हमें सभी के प्रति अपने मन में अच्छे विचार लाने चाहिए। दीदी हमें सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। शाबाश, बिल्कुल ठीक। हाँ दीदी, जैसे अकबर ने बुढ़िया के लिए अच्छे विचार मन में लाए, वैसे ही बुढ़िया ने अकबर के प्रति अच्छे विचार लाए। अकबर बादशाह ने लकड़हारे के लिए गलत विचार मन में सोचे, वैसे ही लकड़हारे ने वैसा ही बोला। हाँ, कोई व्यक्ति किसी के बारे में जैसा विचार रखता है, दूसरा भी उसी के प्रति वैसा ही विचार रखता है। शाबाश, तुम लोग तो बहुत समझदार हो। इस किस्से में कुछ मुहावरों का प्रयोग हुआ है, जैसे चल बसना। हाँ, चल बसना। तो क्या तुम लोगों को इसका अर्थ पता है? दीदी मैं बताऊँ? हाँ बताओ। चल बसना का मतलब होता है मृत्यु हो जाना। बिल्कुल जी, चल बसना का अर्थ होता है मृत्यु हो जाना। अब इसका वाक्य कौन बनाएगा? दीदी मैं बताऊँ? हाँ बताओ। रामू के पिताजी लंबी बीमारी के बाद चल बसे। बिल्कुल ठीक बताया तुमने, भाई ताली बजाओ। बहुत सही वाक्य बनाया इसने कि रामू के पिताजी लंबी बीमारी के बाद चल बसे। और दहाड़े मारने का क्या अर्थ होता है? दीदी मैं बताऊं? हाँ बताओ। जोर जोर से रोना। हाँ, दहाड़े मारने का अर्थ होता है जोर जोर से रोना। और अब इसका वाक्य कौन बनाएगा? दीदी मैं बताऊं? हाँ बताओ। रामू ने श्यामू की पेंसिल ले ली तो वह दहाड़े मार मार कर रोने लगा। बिल्कुल ठीक, रामू ने श्यामू की पेंसिल ले ली तो वो दहाड़े मार मार कर रोने लगा। लेकिन तुमने ये कैसे जाना कि दहाड़े मारने का क्या अर्थ होता है? दीदी उसमें बुढ़िया दहाड़े मार मार कर रो रही थी। बिल्कुल ठीक, इस किस्से में बुढ़िया बहुत दहाड़े मार मार कर रो रही थी। तो चलो एक चीज हम आपसे और पूछते हैं। जी दीदी। हम एक वाक्य बोलेंगे और आप लोगों को उसके एक एक शब्द बताने हैं। ठीक है, सब लोग तैयार हो? मैं पूछूं? जी दीदी। तो बताओ, जो लकड़ी काटकर अपना जीवन बिताता है उसको क्या कहते हैं? लकड़हारा। बिल्कुल ठीक, जो लकड़ी काटकर अपना जीवन बिताता है उसे कहते हैं लकड़हारा। और जो शासन चलाता है? शासक। बिल्कुल ठीक बताया तुमने, भाई ताली बजाओ। जो शासन करता है उसका अर्थ होता है शासक, उसको शासक उसके लिए। और अब मैं पूछूंगी, जो परोपकार करता है? परोपकारी। बिल्कुल ठीक, जो परोपकार करता है बहुत अच्छा, उसको कहते हैं परोपकारी। और जिस पर विश्वास किया जा सके? विश्वसनीय।
बिल्कुल ठीक जैनब, तुमने बिल्कुल सही बताया। जिस प्रकार बीरबल ने, हम चाहेंगे कि आप बीरबल के और किस्से पढ़ें और उसकी बुद्धिमता की परख करके खुद भी बीरबल के समान बुद्धिमान होने का प्रयास करें। जी, हाँ, दी, 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 दी। तो आखिर में सब लोग एक बार फिर से ताली बजाओ।